नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मेला रामनगरिया की पावन इस धरती पर, तो अभी फिलहाल मैं आ चुका हूं 2022 ही हालांकि है, लेकिन स्वागत करते हैं मेला रामनगरिया 2023 का। मुझे पता है आप लोग भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे कि भैया शिवम जी कब वीडियो बनाएंगे और क्या तैयारियां चल रही हैं। तो यार आज संडे का दिन था, बताना चाहूँगा इस बार बहुत ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। एक संडे ही मुझको मिल रहा है, वो भी शाम में टाइम मिला। तो ये रहे हमारे ढोल, जो कि आप हमेशा इस पर यात्रा करने के लिए तरसते हैं कि भैया पेंटूर पुल इस बार कैसा क्या तैयार हो रहा है। तो ये तैयारी की ये है कि अभी प्रॉपर तैयार हो रहा है, राउटी वगैरह लगना स्टार्ट हो चुकी हैं। चलिए दिखाते हैं आप। GBA Academy एंड कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, जहां से आप कर सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड सभी कोर्सेज, CCC, ADCA और भी अन्य कोर्सेज। इनका पता है बड़पुर आवास विकास फरुखाबाद, जिसके संस्थापक हैं विपिन अवस्थी जी, समाज सेवी। तो संपर्क कीजिएगा और कोर्स कीजिएगा PGDCA, MBA, MCA, जो भी करना चाहें कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ऐड कराने के लिए संपर्क करें मेरे नंबर। तो जैसे कि अभी मैं पेंटून पुल पर उपस्थित हूँ। पेंटून पुल जो कि अभी लगभग 2-3-4 साल से इसको लगाया जा ना शुरू किया है, क्योंकि आपको पता है कि पुल पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी। भीड़ के कारण क्या होता कि नहीं जाम वगैरह लग जाता था। जहाँ कोई बस 5 मिनट में निकल पा रही है, कोई गाड़ी 5 मिनट में निकल पा रही है, तो उसको टाइम लग जाता था ऑलमोस्ट पहुँचने में। तो पेंटून पुल ये है अपना प्यारा सा दुलारा सा एक पेंटून पुल, जो कि आपके लिए एक प्यारा सा शॉर्टकट रास्ता आप बोल सकते हैं, इसको तैयार किया गया है। एक आपसे दिल की रिक्वेस्ट रहेगी, बताना चाहूँगा, बता क्या आप हैं भैया नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को भाई साहब शेयर जरूर कर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए एक सरप्राइज लाने वाला हूं मैं। वो सरप्राइज क्या है वो मैं बता दूंगा, जो लोग वीडियो शेयर करेंगे उनके लिए कुछ खास होने वाला है स्ट्रीट वाइज यूट्यूब चैनल पर। सौरभ भाई, हम लोग देर शाम हो गई आते आते, और कुछ ये पल है भैया, पेंटून पुल की तैयारियां चल रही हैं, बहुत रोमांचक इस बार रहने वाला है। सफाई देखो भाई, क्या आपको यहां से नहीं दिख पा रही हो, लेकिन अभी वहां चल के दिखा देंगे आपको। तो फिलहाल शाम का वक्त है, अभी आपको तैयारियां दिखा देते हैं एक बार से। तो भैया जैसा कि जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं पेंटून पुल बनाने की, हमारे भाई लोग सेवा में तत्पर लगे हुए हैं और लगातार। और ये देखिए क्या, पेंटून पुल के ढोल पूरी तरीके से लगाए जा चुके हैं, और अभी जो मतलब सपोर्ट होता है एक तरीके से उसको लगाया जा रहा है। आगे चल के आपको दिखा देंगे भैया झूले वूले आ गए या नहीं, या फिर कौन सा लग रहा है स्पेशल, क्या है इस बार मेरा देखोगे। बहुत बढ़िया, आपको बताना चाहूँगा कि मैं बोल रहा था कि आप लोगों के लिए क्या है, जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। दूसरी चीज़, जो लोग वीडियो शेयर करेंगे और शेयर करके एक स्क्रीनशॉट मुझे मेरे या तो इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं, फिर मैं कॉन्टैक्ट नंबर दे दूंगा, उसके व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा वीडियो को शेयर करेगा उसको लास्ट में फुल मेला मेरी तरफ से मेला के कई पासेस मिलेंगे, जिससे आप फैमिली के साथ भी एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जो भी लोग आए हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक बार पूरा देखें, और जो लोग भी हमारी वीडियो को शेयर करेंगे उसका स्क्रीनशॉट शिवम देव 189 आप इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर पे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो उससे क्या होगा कि लास्ट में हम आपको एक सरप्राइज, जो मतलब सबसे ज़्यादा सपोर्ट करेगा शेयर करेगा, हम लास्ट में उसको एक सरप्राइज देंगे, गिफ्ट देंगे, और साथ ही साथ मेला के पासिस देंगे, जिससे आप अपने फैमिली के साथ भी मनोरंजन वगैरह का लुफ्त उठा पाएंगे। तो भैया पास किसको मिलेगा, कौन होगा लकी विनर, तैयार रहेगा और वीडियो को शेयर करें भाई, पूरी वीडियो देखें ज्यादा शेयर। एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है, जैसा कि आपको पता है कि मेला अभी लगना ही शुरू हुआ है 2023 का, हालांकि 2022 का अंतिम महीना है, और आपको पता है कि चीन में क्या हालात हो चुके हैं कोरोना के, भारत सरकार ने भी नई नई गाइडलाइंस को जारी कर दिया है। उन गाइडलाइंस को देखते हुए फरुखाबाद में जो लग रहा है मेला रामनगरिया, उसको देखते हुए कई डिसीजन लेने जा रहे हैं हमारे यहाँ के लाइक प्रशासन अधिकारी, उसका देखते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा क्या फॉलो करना है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होगा, जिसमें मास्क, जो भी मेला देखने आएंगे सभी को मास्क लगाना कंपलसरी होगा, और साथ ही साथ कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। तो ये सारे नियम इस बार से बनाए जा रहे हैं, और तो फिर आप आइएगा फैमिली के साथ, लेकिन भैया मास्क वगैरह ज़रूर लगाइएगा, जो भैया नहीं लगाए के आएगा तो जुर्माना भी लग सकता है। तो इस चीज़ को आप फिर से एक बार ध्यान दे लें, क्योंकि कोरोना की गाइडलाइंस, हालांकि मेला लगेगा, मेला नहीं हटेगा, उसकी टेंशन ना लो, क्योंकि अभी हालांकि हालात उस हद तक ना जाएं, तो इसको देखते हुए आप लोग ही सपोर्ट कर सकते हैं, प्रशासन को भी सपोर्ट कीजिएगा और
एक चीज और, गंदगी फैलाने इस बार बचिएगा, क्योंकि मेला रन करने में क्या होता है कि हमेशा से बहुत ज्यादा गंदगी हो जाती है। तो आप अगर कोई चीज खाएं भी तो पॉलीथिन वगैरह लें, वो तो आसपास में डस्टबिन देख लो उसमें डालो, लेकिन सफाई का विशेष ध्यान रखना है। और जो लोग भी इसको फॉलो करेंगे मेरी तरफ से भाई शुभकामनाएं उनको, क्योंकि वो एक सपोर्ट करेंगे भाई मेला रन को, तो सफाई का विशेष ध्यान रखें, मास्क वगैरह जरूर लगा के आए। तो कुछ तैयारियां यहाँ तक हो चुकी हैं पेंटुल पुल की, और अभी जैसा कि ढोल वगैरह प्रॉपर लगाए जा चुके हैं, मिट्टी इनमें बालू भरी हुई है जो बोरियां हैं, और लगातार यहां पर इतना काम अभी कर लिया गया है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, वो भी जल्द से जल्द हो सकता है मे भी कल तक ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा शुभकामनाएं, और इस बार गंदगी करने से बचिएगा, ठीक है। हमारे सौरभ भाई हमारी स्कूटी निकालते हुए, तो बताना चाहूँगा ये वो स्थान है जहाँ पर आगे अभी 6 तारीख को शाम 4 बजे के बाद गंगा आरती होने वाली, मतलब महाआरती जो कि मेला लाम नगरिया का जो उद्घाटन होता है उस दिन होती है। अभी देखिएगा ये जो दुकानें हैं ये आवंटित की जा रही हैं, किसको मतलब कौन सी कितनी जगह आवंटित होगी, और यहाँ पर दुकानें लगना शुरू हो गई हैं मेला राम नगरिया। तो पहली बार स्ट्रीट वॉइस यूट्यूब चैनल पर 2023 का पहला ही वीडियो है। तो ये बताना चाहूँगा ये राउटियाँ लगी हैं जो अपने मतलब विशेष एक महीने के लिए कल्पवास करते हैं, फरुखाबाद में कल्पवास एक तरीके से कह सकते हैं। तो जो लोग राउटियां लगाते हैं कल्पवास करने के लिए, हमारे भाई बंधु माता, तो अभी फिलहाल देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ राउटियां लगी हुई हैं, और अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब संख्या में नहीं लगा हुआ है, क्योंकि जगह ये सब दुकानें होती हैं, वो देखो पिलर वगैरह मतलब किस तरीके से जगह का आवंटित किया जा रहा है कि इसको दुकान में कितनी जगह दी जाएगी, ये सारी चीज़ें हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर एक तरीके से पूरा सपाट पड़ा हुआ है दूर तक, लेकिन मेरे ख्याल से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, राउटियाँ लग गई हैं, ये 4 से 5 दिन में बहुत जल्दी कवर होने वाला है, वहाँ पर चलो। तो बताना चाहूँगा अभी यहाँ पर मैच चल रहा है क्रिकेट, खाने पीने की कुछ थोड़ी मोड़ी व्यवस्थाएं हैं, वहाँ के बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। अभी उधर चलते हैं कि भैया कौन कौन से झूले उतर चुके हैं ट्रक से पार्ट्स, तो कौन सा झूला होगा जो सबसे ज़्यादा मनोरंजन आपको दिलाएगा, इस बार देखते हैं क्या नया है। तो पुल के नीचे का नज़ारा ये अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि पोल लगाना, बिजली के पोल लगना शुरू हो गए हैं, क्योंकि क्या होता है कि बिजली के पोल लग नहीं रहे थे, थोड़ा बाबा वगैरह ने अपना क्रोधता दिखाई एक तरीके से, तब जाके ये थोड़ा सा काम मजिस्ट्रेट मैम ने डांट फटकार लगाई, तब जाके थोड़ा सा काम तेजी पकड़ा है, काम बहुत ढीले से हो रहा था। अभी झूले कुछ हैं, पार्ट्स आ चुके हैं, चलिए आपको दिखाते हैं, शाम का वक्त हो गया है, सर्दी शुरू हो गई है। तो भैया आ चुके हैं मनोरंजन स्थल जहाँ पर सजने वाला है आपका सबका चहेता प्यारा सा दुलारा सा मनोरंजन स्थल, जहाँ पर आप सभी लुफ्त उठाते हैं। और देखिएगा थोड़ा सा सपाट पड़ा है, वो क्यों, क्योंकि अभी यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। पार्ट्स आप देख सकते हैं 2023 का आगमन मेला रामनगरिया का, भाई शेयर कर दो, क्योंकि जो जो रिश्तेदार फूफा बुआ नानी है एक बार शेयर कर दो सभी में, क्योंकि मज़ा आने वाला है इस बार। जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तब तक बुआ फूफा आकर आपको मेला कैसे दिखाएंगे, तो इसी बात पे शेयर कर दो बच्चों सारे लोग, मतलब कमेंट करके एक बार बताओ और क्या क्या नया है। तो ये देखो एक बार पार्ट्स आ चुके हैं, अब कौन कौन से झूले हैं एक बार हम पता कर लेते हैं, फिर आपको इसी वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन भाई वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखो। तो ये जो झूले के पार्ट्स हैं आप देख रहे हैं, इसमें ये बड़ा वाला झूला है जो कि आप सबका प्यारा सा दुलारा सा रहता है। और चाचा ये वाला कौन सा झूला है, ये झूला है, नाव है, तो अच्छा ये नाव वाला है। तो चाचा जी हमारे बताएंगे कौन कौन से झूले स्पेशल अब किए हैं, स्पेशल में रेंजर टावर बस 2 झूले हैं, नया कुछ आया है इस बार, नया ये टावर और रेंजर, टावर रेंजर देखते हैं भैया कैसा रहता है टावर रेंजर वाला, अगर आपको पता है आप बता दो एक बार कमेंट सेक्शन। और ये देखिएगा फील्ड, एक बार सभी झूले मतलब आ चुके हैं जो भी पार्ट्स होते हैं झूले के, थोड़ा सा समय लग रहा है जब तक शुरू होगा मेला तब तक सब कंप्लीट हो जाएगा, 6 तारीख से शुभारंभ हो जाएगा, आप सभी आइएगा और इस बार हमेशा की तरह प्यार दिखाइएगा इस बार मेला रामनगरिया में। और आपको बताते हैं कौन कौन से झूले हैं इस बार या फिर हटाए गए हैं नहीं हटाए गए, मतलब कौन सा कितने रहेंगे टोटल संख्या में, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे रहे हैं। तो जैसा कि मैंने चाचा जी से पूछा उन्होंने बताया कि रेंजर एक टावर वाला, तो देखते हैं इस बार नया ये कौन सा, यार मुझे थोड़ा सा याद नहीं आ रहा कि रेंजर और टावर में मतलब कौन सा मतलब रहता है कि हमेशा पहले आया है या नहीं, यार अगर आपको याद आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो बाकी के देखो बड़ा वाला झूला रहता है, नाव वाला रहता है, और कौन सा रहता है ट्रेन वाला रहता है, ये सारे मतलब रहते हैं। तो उसके अलावा रेंजर और टावर देखते हैं भाई क्या नया है। भैया वीडियो शेयर करो यार, वीडियो नहीं शेयर कर दो आप लोग। ये देखो मेला राम नगरिया 2023 का आगमन हो चुका है, और बस 6 तारीख को उद्घाटन, आपका प्यार चाहिए शिवम भाई को, वीडियो बस शेयर करो भाई, वीडियो शेयर करो, जितनी शेयर करोगे लास्ट में मुझसे पाओगे मेला के
पास, जितने वाई पास जीतना चाहो मुझसे जीत सकते हो। तो वीडियो को शेयर करो और मुझे स्क्रीनशॉट दो। ये देखो भाई, तो भैया आपका ब्रेक डांस जो है, ब्रेक डांस आपका ये देखो, यहाँ पर अभी पार्ट्स हैं आ चुके हैं, मतलब दो ऑलमोस्ट ब्रेक डांस रहने वाले हैं। आपका ये वाला आ गया, कौन सा, ट्रेन वाला आ गया, और इधर आ गई वो मतलब सर्कस वगैरह, ये मतलब जगह पूरी घिर चुकी है एक तरीके से, बस लगना शुरू हो गए हैं। ये देखो पार्ट्स पड़े हुए हैं, पार्ट्स को जोड़ने का कार्य शुरू हो चुका है। आप देखिएगा टीम पूरी तैयार है, मिलवाते हैं आपको टीम वगैरह से भी, चचा से आपकी बात मतलब पूछा मैंने, ये एक ये लग रहा है। तो जैसा कि देख रहे हैं ये वाला भैया आपका बड़ा वाला झूला जिसको बोल सकते हैं एक बार इसको, और जॉइंट व्हील बोलते हैं इंग्लिश में। और ये देखिएगा अभी पार्ट्स आ चुके हैं प्रॉपर तरीके से, तैयार है सब कुछ लगने के लिए, बस आप ही की देरी है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बस अभी आपसे उम्मीद यही है कि भैया वीडियो को पूरा देखेंगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। और धमाल मचने वाला है इस बार मेला रामनगरी, हम फिर से आगाज़ करेंगे एक बार 6 तारीख से। भाई लोग भी वीडियो बना रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई, प्रमोट करने के लिए भाई क्या करें। तो यहाँ पर देखिएगा ये वाले बड़े मतलब बड़ा वाला झूला था जो यहाँ पर लगता है, उसके पार्ट्स हैं ये सभी, और एक उधर वाला बड़ा, मतलब दो दो झूले रहते हैं, एक दो बड़े वाले हो गए, दो नाव वाले भी, इस तरीके से सारा सिस्टम रहता है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और आपसे फिर से एक बार अगेन रिक्वेस्ट है, वीडियो को भाई शेयर कर दो, जो सबसे ज़्यादा शेयर करेगा लास्ट में मेला के पास मिलेंगे फैमिली के लिए फ्री फुल मेला। तो तैयार हो जाइएगा, और गिफ्ट जीतने के लिए, पासेस जीतने के लिए, कौन जीतेगा, कौन बनेगा विनर, तो इस बार शुरुआत है इस चीज़ की, और मेला के तैयारियां फुल जोरों पर हैं। एक दो दिन में आई होप बहुत चीज़ें कवर हो जाएंगी और जल्दी से फिर शुभारंभ होगा। तो खत्म करते हैं इसी वीडियो को, मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को शेयर करते रहिएगा मेला की सभी वीडियो को। तो बताना चाहूँगा आलू की दुकानें देखें भैया कौन कौन सी लग गई हैं, एक ये देखो दुकान लग गई है इधर से आए हैं, तो भाई वीडियो डाल रही थी, टेंशन ना ले। ये देखो आलू की दुकानें लग गई हैं, और यहाँ पर 16 मसाले मूछ वाले का आलू वो सब तैयार हो रहे हैं, तो धमाल बचेगा इस बार। चचा हाल चाल बढ़िया, यह मूछ वाले के आलू हैं जो मतलब मूछ वाले फेमस रहते हैं। तो यह आलू सब रख चुके हैं, मतलब आलू का सेवन चालू हो चुका है, आप आ सकते हैं। तो वीडियो कहीं ख़त्म करते हैं।